Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, last video में हमने देखा जो हमारे bond parameters हैं या bond characteristics हैं उसमें क्या-क्या study किया, bond length, bond angle. अब हम देखेंगे bond enthalpy क्या होती है? So, it is the amount of energy released when one mole of covalent bonds is formed. ये वो एनर्जी होती है जब कोई हमारा वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. व्हाइल द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ द सेम काइंड सो एज टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम इन द गैसियस स्टेट. बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी जब हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा था, वन मोल कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा था किससे, जो उसके आयंस थे या जो उसके एटम्स थे, तब एनर्जी रिलीज हुई थी. अब वो हमारा कंपाउंड बन गया, अब हमें उस कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में सेपरेट करना है, उन्हें अलग करना है. तो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जैसे हमारा अगर Cl2 है, जब Cl2 बना, जब वो कंबाइन हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई. अब वो हमारा Cl2 बन गया, अब हमें Cl2 से वो ClCl अलग अलग एटम्स चाहिए, तो हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि हमारा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी. द बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइज. जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उनका मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, बट उनका साइन ऑपोजिट होता है. जैसे अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो, बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी रिलीज्ड होती है तो क्या होगी, सपोज एक्स जूल माइनस एक्स किलो जूल. माइनस क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. और बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करो तो इसमें आपने एनर्जी को सप्लाई किया है, आपने प्रोवाइड किया है सिस्टम को एनर्जी, तो ये क्या है आपकी प्लस एक्स. एक्स दोनों वैल्यू, जितनी एनर्जी रिलीज हुई एक बॉन्ड बनने पे उतनी तो एनर्जी आप सप्लाई करोगे ना जब आपको उसे ब्रेक करना है. तो ये है हमारी बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिटरमिंड बाय थर्मल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थर्मल मेथड से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. As the bond order increases, जैसे जैसे हमारा bond order increase होता है, मतलब single bond से जैसे double bond पे आते हैं या triple bond पे आते हैं, bond enthalpy also increases. वैसे वैसे हमारी bond enthalpy भी increase होती है and bond length decreases, और हमारी जो bond length है वो decrease होती है. ये order आपको याद रखना है, आपको direct questions पूछे जा सकते हैं कि bond order कैसे increase होता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होती है, बॉन्ड एंगल कैसे डिक्रीज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, ना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करती है. एटॉमिक साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड ऑर्डर. तो ये हमारी कुछ फोर फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल आपको यहीं से पता लग रहा है, डाइपोल मतलब दो चीजें हैं इसमें जो इन्वॉल्व है, डाई मीन्स टू एंड पोल कि दो आयंस के बीच में जो हमारी केमिस्ट्री होगी, जैसे हम स्टडी करेंगे अट्रैक्शन है फोर्स का या रिपल्शन है, उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू. दिस इज म्यू. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, और उन पे चार्ज कितना है, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, डाइपोल मोमेंट की. इसका न्यूमेरिक फॉर्मूला अगर देखें मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट किया, म्यू इज डाइपोल मोमेंट, चार्ज जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है. सपोज ये आपका क्यू पॉजिटिव है, ये आपका क्यू नेगेटिव है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो कैसे निकलेगा हमारा म्यू, r इंटू q
पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव. डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन डिबाई, ये उसकी यूनिट्स है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने डाइपोल मोमेंट को. नेक्स्ट इज 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. 1 ESU की वैल्यू कितनी, 3.33564 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 30 cm. C इज कूलम, चार्ज के लिए है, और m इज मीटर, जो उनके बीच का डिस्टेंस है. तो ये हमारी 1 डिबाई की वैल्यू है कि 1 डिबाई किसके इक्वल है. वैसे जो हम अपना डाइपोल मोमेंट है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइस की फॉर्म में, दैट इज कैपिटल डी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये था हमारा डाइपोल मोमेंट. नाउ द शिफ्ट इन, ये जो आप सामने अपने देख रहे हो, ये एक फिगर है आपके सामने, यहाँ पे ये NH3 मॉलिक्यूल है और ये NF3 मॉलिक्यूल, ये इनका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. यहाँ पे हम इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय ब्रोकन एरो. यहाँ पे ये जो एरोज बने हैं, ये जो वर्ड एरो है, ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी की शिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ हो रही है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतना ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपने में से इस बॉन्ड में. लेकिन नाइट्रोजन और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट अपवर्ड साइड सब ऐड हो रहे हैं. लेकिन अगर हम NF3 की बात करें, NF3 में क्या है, सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है, साइड एटम्स हमारे कौन से हैं, फ्लोरीन. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन. तो इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन करेगा. नाइट्रोजन और लोन पेयर में से कौन अट्रैक्टिव है ज्यादा, लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर करेगा. अब जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो नीचे ज्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऊपर सिर्फ 1 लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. तो हमारा डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड. यहाँ पे अपवर्ड गया, यहाँ पे डाउनवर्ड गया. सो NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3. यहाँ पे एडिटिव हो गया और यहाँ पे कैंसिल हो गया. क्यों, क्योंकि एक ऊपर गया और बाकी नीचे गए, तो ये कैंसिल हो गया डाइपोल मोमेंट. लेकिन यहाँ पे एडिटिव हो गया, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3. और जब हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू 1 इंटू म्यू 2 टू म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा. ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं. बहुत कम यूज होता है, जो मेजरली यूज होगा वो आपका कौन सा होगा, ये म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू क्यू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो ये थे हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड ऑर्डर, किस तरह से वो वेरी करते हैं, ये सब हमने इसमें स्टडी किया. ठीक है.